क्वेश्चन ये है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस पर दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास स्मॉल m के इक्वल है। दोनों पार्टिकल एक आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और स्ट्रिंग का लेंथ 2a के इक्वल है। स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फोर्स f अप्लाई हो रहा है। इस तरह से स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स f अप्लाई हो रहा है और दोनों पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन उस स्टैंड पे फाइंड आउट करना है जिस स्टैंड पर दोनों के बीच सेपरेशन 2x के इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये दोनों पार्टिकल्स हैं और इस इंस्टेंट पर दोनों पार्टिकल के बीच जो सेपरेशन है वो 2x के इक्वल है और ये स्ट्रिंग है एंड दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग P। पॉइंट P पर अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये वर्टिकल है। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये x के इक्वल होगा। अगेन यहां से यहां तक ये डिस्टेंस भी x के इक्वल है, ठीक है। स्ट्रिंग का टोटल लेंथ 2a के इक्वल है, तो यहां से यहां तक स्ट्रिंग का लेंथ a के इक्वल है। अगेन यहां से यहां तक स्ट्रिंग का लेंथ a के इक्वल है और ये एंगल मान लेते हैं थीटा के इक्वल है, तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये पार्टिकल है। पार्टिकल का मास स्मॉल m के इक्वल है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर स्मॉल mg फोर्स एक्ट कर रहा है। ग्राउंड मान लेते हैं इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n अप्लाई कर रहा है और इस इंस्टेंट पर मान लेते हैं स्ट्रिंग में टेंशन t के इक्वल है, तो स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में इस पर t फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगेन ये वर्टिकल है, तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब ये एंगल थीटा के इक्वल, ठीक है। तो जो पार्टिकल है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a डैश के इक्वल है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर न्यूटन सेकंड अप्लाई करते हैं। सो वी हैव t sin थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू a डैश, ठीक है। तो यहां पर a डैश को ही फाइंड आउट करना है। सो दिस इंप्लाई दैट a डैश इज इक्वल टू t sin theta डिवाइड बाय मास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट P पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो पॉइंट P पर अपवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स एक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल है, तो इस डायरेक्शन में पॉइंट P पर T फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगेन इस डायरेक्शन में भी पॉइंट P पर T फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट P है, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई हो रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस T का कंपोनेंट T cos थीटा होगा। अगेन इस T का कंपोनेंट भी
दोनों डायरेक्शन में टी कोस थीटा होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग पॉइंट पी पर 2t cos थीटा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि पॉइंट पी का मास m डैश के इक्वल है और पॉइंट पी का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में b के इक्वल है, ठीक है। अब हम पॉइंट पी पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। सो वी हैव f माइनस 2t cos थीटा इक्वल टू एम डैश इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर एम डैश जो है वो पॉइंट पी का मास है, लेकिन पॉइंट पी जो है वो स्ट्रिंग पर कोई पॉइंट है और स्ट्रिंग मासलेस है, तो यहाँ पर जो एम डैश है वो जीरो के इक्वल है। पुटिंग एम डैश इक्वल टू जीरो एंड दिस इंप्लाई दैट एफ is equal to 2t cos theta and this imply that t is equal to f by 2 cos theta. This is the relation between t and f at this instant, ठीक है। तो इसमें t की वैल्यू पुट करते हैं, so this imply that a dash is equal to साइन थीटा बाई एम इंटू टी दैट इज एफ बाई टू कॉस थीटा, दिस इंप्लाई दैट ए डैश इज इक्वल टू एफ बाई टू एम इंटू टेन थीटा, ठीक है। और हम टेन थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, तो इस ट्रायंगल में हम दे सकते हैं ये थीटा है, यहाँ से यहाँ तक एक्स के इक्वल है और ये ए के इक्वल है, तो ये वाला जो हाइट है ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनली वी हैव ए डैश इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स डिवाइड बाई टू एम इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ पार्टिकल along horizontal direction when the separation between them is equal to 2x, ठीक है। तो ये solution हो गया। Thank you.